Welcome to our channel, guys. I hope you are liking my video. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon in order to get all the notification regarding IELTS exam. So, आज हम करने जा रहे हैं IELTS map labeling tricks in listening section. Most of the student have problem in maps. Maps में बहुत problem आती है. Most of the student got wrong answer in the maps. So today I am going to share some tricks with that you can grab totally 100% correct answer in the IELTS labeling. So let's start. जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक पार्क का मैप गिवन है. सो यू हैव टू फिल द ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द लोकेशंस इन द आंसर शीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द डायरेक्शन. सबसे पहले डायरेक्शन को मार्क करिए, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट. सो और चार डायरेक्शन है जो हम मैच कर सकते हैं, वो है लाइक लेफ्ट टॉप कॉर्नर में हम लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट, राइट टॉप कॉर्नर में लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में हम लिखेंगे साउथ वेस्ट एंड राइट बॉटम में लिखेंगे साउथ ईस्ट. इन सब को डायरेक्शन लिखने के बाद आप देखेंगे कौन कौन से लोकेशन के बारे में बात की गई है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वोकैबुलरी है कि अगर उसने बात की होगी एट द टॉप और एट द बॉटम, मीन्स प्रॉपर बात की होगी और टॉप पर क्या है, बॉटम पर क्या है, ऑन लेफ्ट, ऑन इन द राइट, टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट. सो डायरेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मैप सेक्शन. या बात कर सकते हैं अबव, अबव का मीनिंग ऊपर, ब्लो नीचे, इनसाइड अंदर क्या है उसके, आउटसाइड बाहर क्या है, लाइक वेस्ट गेट, लाइक ये बता सकते हैं फ्लोर गार्डर का है कि मूविंग टू द वेस्ट गाइड इन द बिटवीन द सी, बिटवीन द लेक एंड अदर सेक्शन, ईस्ट गेट, ईस्ट गेट और लेक के बीच में जो डायरेक्शन है वो बता सकते हैं, लाइक डी वो एरिया आ जाएगा, फ्लावर गार्डन आ सकता है, वुडन एरिया आ सकता है, बेस्ड ऑन द लिसनिंग पार्ट, बेस्ड ऑन द ऑडियो दैट इज बीइंग प्लेड ऑन बिटवीन द क्वेश्चंस. सो बिसाइड का मतलब मीनिंग होता है कि साइड में, उसके साइड में क्या है, एंटर वाया किस डायरेक्शन से वो एंटर कर रहे हैं हम, रन अलोंग साइड होता है साथ साथ में क्या रन कर रहा है, लाइक अलोंग साइड द आई डायरेक्शन, अलोंग साइड द एफ डायरेक्शन. These are the questions in the listening section. Moreover, diagonal to turn toward, like उसने बोला होगा कि he moved to turn toward left, turn toward right, go straight सीधा गया, ठीक है, walk by, next to, ये सब question में listening section में audio में play हो गए. आपको इन words का proper के ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ ये word बोले गए, किस लोकेशन पर बोलेंगे, इसके रिगार्डिंग इसके पास ही एग्जैक्ट इन वर्ड्स के पास ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड इन द लिसनिंग सेक्शन सो दैट यू कैन आंसर इट वेरी इन करेक्ट मैनर. सो कॉग्नोसेंट डायरेक्शनों के फर्स्ट आपने डायरेक्शन को नोट करना है, सेकंड आपने वोकैबुलरी को ध्यान में रखना है, थर्ड आपकी केयरफुली आप लिसनिंग सेक्शन को, लिसनिंग ऑडियो को सुनना है. अगर आप कोई क्वेश्चन मिस कर गए हैं तो उसे फिल करने की कोशिश मत करें, नेक्स्ट मूव करें, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को फिल, उस आंसर को फिल करने की कोशिश करोगे, आपके नेक्स्ट कंजेक्टिव जो भी आंसर है वो भी आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे. सो इफ़ यू हैव नॉट लिसन केयरफुली दीज क्वेश्चन, लीव दैट क्वेश्चन, उसको छोड़ दो. So move on to next question. So this in this way you can grab full out of full marks in the IELTS listening map section. Map section में आप easily grab कर सकते हैं. So I hope you have liked my video. If you liked, click on the subscribe button and press the bell icon and like button को click करना ना भूलें आप, अगर आप like हो. और अगर आपके पास कोई question है maps के regarding, IELTS के question regarding, immigration के regarding, you can ask in the comment section and we will reply soon as possible. So thanks for watching. Goodbye.